जॉन, मैं अमरजोत बोल रहे हैं एडमिंटन तो, तुसी बोल रहे हो पाकिस्तान तो? जी सर, पाकिस्तान से बोल रहे हैं। बोलो जी, बिल्कुल समरी जी दसो की प्रॉब्लम है, रेफ्यूजी की प्रॉब्लम है, जस्ट गिव मी अ ब्रीफ आइडिया। सर मैं मेरी 31 ईयर ओल्ड है सर। मैं मैरिड है सर। सर मेरे दो बच्चे ने, मेरा वड़ा बेटा जड़ा वे तकरीबन 6 साल दा सर, और छोटी बेटी जड़ी 4 साल दी सर। सर मैं कराची दे विच आपां रह रहे हैं तकरीबन सर 30 साल तो मैं रह रहा हूँ, मतलब मेरी पैदाइश इत्थों दी है, मेरे माँ बाप भी इत्थों दे ही ने। तो सर असी कराची च रह रहे हैं सर, इसी इलाके च मेरी पैदाइश हुई है जिथे मैं रह रहा हूँ सर। आपां इत्थे रह रहे हैं तो मैं जॉब कर रहा सा, स्कूल दे विच जॉब करना वा सर। स्कूल दे विच मेरा बिजनेस है पिक एंड ड्रॉप दा सर, ट्रांसपोर्ट दा, जिहड़े बच्चिआं नूं आन जाण दा जिहड़ा वे देई दा पिक एंड ड्रॉप कम टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम दसो मैनू, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द रेफ्यूजी, ओथे सर। ओ प्रॉब्लम दसो। ये कि सर मैं जिथे जॉब कर रहा सा ना, तो उत्थे मैनू प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। इवन कि मैं तकरीबन सर 13 साल तो एक ही जगह जॉब कर रहा सर, तो उत्थे मैं जॉब कर रहा सा, उत्थे मैनू प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। उत्थे जिहड़े दोस्त यार सन, जिहड़े मुस्लिम दोस्त ने, तो वो सर प्रॉब्लम उन्हें क्रिएट करना आहिस्ता 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 शुरू किया सर। तो सर छोटी छोटी गल्लां नूं लै के मज़हब दे उत्ते गल करना, और सर मैं जॉन उन्हां दे जॉन नाल जॉन जॉन, साढ़े को टाइम बहुत थोड़ा है, मैनू तुसी आखिर ते दसो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, तुहानू कोई जान दी मान मार दी, कोई धमकी बिल्कुल दे सर रहा मैं भी है, दसना तुहानू चाहे तुहाडी कोई मार रहा है, आर यू इन जेल, वो ते आओ मैनू बस वो दसो। सर। बिल्कुल इस तरह ही एंड एंड है दे कि मेरे मेरी उन्होंने नाल थोड़ी सी प्रॉब्लम इसी गलते हो गई, तो सर मैनू जानी धमकी दी गई है सर। यही हुई मेरी प्रॉब्लम है, मैनू इस चीज़ दी थोड़ी। व्हाट इज द फॉल्ट, जान दी धमकी, मतलब केड़ी वजह नाल दे रही, बिकॉज ऑफ योर रिलीजन या की, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर रिलीजन रिलीजन प्रॉब्लम सर, अच्छा, क्रिश्चनरिटी प्रॉब्लम। इस चीज नु लेके तुसी कदे कंप्लेन कीती है किसी पुलिस नु या किसी होर कोई अदारे नु, दस्या हुआ है एक्चुअली ये प्रॉब्लम? नहीं सर, एक्चुअली प्रॉब्लम है वे कि इस्लामी मुल्क है, ते सर इस्लामी मुल्क होन दे आया साड़ी सुनावे नहीं होंदी सर इत्थे। मैं एक वीडियो भी बनाया सी कल, किसी नूं भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, कोई परसीक्यूशन की प्रॉब्लम है, तुसी एक सबूत इकट्ठे करना शुरू करो। सबूत तुहाडे कोल होना चाहिए कि भी हाँ फलाना फलाना शख्स या फलाने था इस तरह का, कोई जो भी तुहानू धमकी दे रहा है, यू नीड टू हैव एविडेंस। एविडेंस के बगैर कोई तुहाडी गल नहीं सुनेगा। एविडेंस इकट्ठे करना शुरू करो, तो फिर जाके तुसी पाकिस्तान तो बाहर निकल के किसी भी होर कंट्री जाओगे, एनी कंट्री, उत्थे यूनाइटेड नेशंस HCR ऑफिस में जाके दरख्वास्त करो, फिर वो रेफ्यूजी तुहाडे बारे डिसाइड करांगे कि हाँ तुहानू उस कंट्री विच पनाह तुहानू दिती जाए या ना, तो फिर वो बाद कुछ ठीक है होएगा, अदरवाइज विद इन पाकिस्तान रहिंदे तुहानू कोई रेफ्यूजी नहीं दे सकता, ठीक है सर। क्योंकि क्योंकि सर तुसी एक्चुअली तुसी पाकिस्तान दे सिटीजन हो, तुहानू पाकिस्तान तो बाहर आके रेफ्यूजी अप्लाई करना पेगा, विद इन पाकिस्तान तुसी नहीं कर सकते हो, लेकिन जो भी कुछ करना है सबूत तुहाडे कोल होणगे, सबूत लेके आओ, फिर होएगा, बगैर सबूत कुछ नहीं हो सकता। अगर तुसी कनेडा अगर पहुंच गए, अगर बाय चांस तुहाडे कोल कनेडा दा कोई भी वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, कोई भी वीज़ा है, अगर तुसी कनेडा पहुंच गए तो विद इन कनेडा ते अप्लाई कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर जो कनेडा नहीं आते, किसी होर तीसरी कंट्री, या तुसी दुबई चले जाओ या कोई होर कोई कंट्री चले जाओ, भावें इंडिया चले जाओ, अफगानिस्तान, किसी भी और कंट्री चले जाओ जिथे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस है, एट दैट ऑफिस यू कैन अप्लाई फॉर रेफ्यूजी स्टेटस डिटरमिनेशन। एक बार रेफ्यूजी तुहानू उन्होंने सर्टिफिकेट देता, फिर तुसी जिहड़ी मर्जी कंट्री जा सकते हो। ठीक है सर। सर गोइंग एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसी कि जिवें तुसीं कह रहे हो कि उन्हां दे सबूत इकट्ठे करना सर, सबूत इकट्ठे करन नाल सीधी सर गल है कि सबूत इकट्ठे करन नाल मैनूं कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन चाहीदी है, कोई ना कोई बंदा चाहिए जिहड़ा मेरे नाल मिले इस तरह कर सके। लेकिन सर ओके प्रॉब्लम इत्थे है कि ये नहीं इम्पॉसिबल है सर इत्थे। इस तरह मैं उन्हां दे अच्छा खिलाफ़ कोई ना कंप्लेन कर सकना, ना कोई सबूत इकट्ठा कर सकना, क्योंकि मैं अगर किसी ने गल करना तो वो मेरे उत्ते ही हावी हो जाती है चीज़ मेरी मेरी सर। गल इसलिए तुसी हमारी मेरी गल तुसी सुनो, तुसी अगर बाय चांस अगर कनाडा सरकार ने दसोगे कि फलाने फलाने बंदा मैनू एक परेशान कर रहा है, तो वो जब तक कोई एविडेंस नहीं है किस तरह बिलीव कर लेंगे, या तो उन्हों का नाम चाहिए है, या किस दिन किस तरह की धमकी दी है, कोई धमकी वाला कोई कोई खत आया है, कोई वॉइस मेल आई है, या कुछ कुछ आया है, कुछ ना सर कुछ तो फेस टू सबूत फेस होएगा ना, वाला किस तरह देखेंगे?
ਹਾਊ 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 ਵਿਲ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਹਾਂਜੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਸਰ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਪਰ ਸਬੂਤ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਾਊ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਲਾਇੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲੈਨ ਇਟ ਆਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੂਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਸਬੂਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਦਸਤ ਕਰਾਓ ਕੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਓ ਐਟਲੀਸਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਗੈਰ ਬਗੈਰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਗੈਰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਬਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਟਰੱਕ ਸਰ ਬਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੀਏਈ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਸਰ ਬਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯੈਸ ਸਰ ਆਈ ਐਮ ਮੈਰਿਡ ਬੱਚੇ ਸਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅੱਛਾ 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 ਸੋ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ ਆਮ ਸੌਰੀ ਜੀ ਸੇ ਆਮ ਆਈ ਫੋਰਗਟ ਜੀ ਸਰ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਯਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਫਿਊਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਬਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦੇ ਵਿਲ ਆਸਕ ਫੋਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਮਿੰਟਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਐਡ ਅਪ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਵਾਰਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਵਾਰਾ ਲਓ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਸਰ ਐਕਚੁਲੀ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਜਿਸ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਰ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਤਰਫ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮਾਇੰਡਲੀ ਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੁਣ ਔਨ ਏਅਰ ਅਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਜਾਏਗੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰਸਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਗੁਸਤਾਖ ਰਸੂਲ ਕਰਨਾ ਵੇ ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲੀਏ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਗੱਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਕੁਛ ਸਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਓ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਹ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਨੋ ਹੂ ਦੇ ਦੀਸ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੈ
जज ने सबूतों की शिनाख्त करने इन्वेस्टिगेशन अपनी टीम भेजनी है जब तक पता ना लगे कि भी ये प्रॉपर चीज है तो अदरवाइज इट विल नॉट वर्क आउट. ठीक है सर, ठीक है, मैं जिस तरीके तुसी इन्फॉर्मेशन में दी है, ठीक है, मैं और ते वर्कआउट करना वा, और थैंक यू सो मच, तो आड़ा बहुत बहुत शुक्रिया. जे अगर दूसरी कंट्री जाके करना है तो उत्थे भी कर सकते हो, जे अगर कनेडा किसी तरीके नाल पहुंच जाओ तो कनेडा एप्लीकेशन रेफ्यूजी करनी है तो आई कैन डू दैट, बट तुसी अपने आप भी कर सकते हो, तुहानू किसी लॉयर को जाने की लोड़ नहीं है. ठीक है सर, फाइन है सर, ठीक है जी, थैंक यू. होर कोई सवाल? थैंक यू. नहीं सर, फिलहाल दिमाग से फिलहाल नहीं, याद सिर्फ सर याद मैं तो याद रखने वाली चीज़ है, हर चीज़ का सबूत चाहिए, हर चीज़ का सबूत, ठीक है, दैट इज़ द ओनली फॉर्मूला. ठीक है सर, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करना है इस बार. सर मैं स्क्वेयर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ तो यहाँ कि मैं सर मैं किससे ना गल नहीं, इवन कि सर मैं अपने कार अपने समझ लगे अपने दोस्त 11 जड़े ने मेरे क्रिश्चियन जड़े ने, मैं अपने फादर मदर के नाल भी इन्नी खुल के गल नहीं की कि वो परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा. सर मैंने वो पुछ देने की वजह की तेरे जॉब छड़न की, मैं उन्होंने सिर्फ सिंपल कहता बस मैंने पसंद नहीं आ रहे, अच्छा, लेकिन मैं चलो उन्होंने चलो भी जो परेशान नहीं जो करना ਤੁਹਾਡੀ चाहता. ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ जी जी ਬੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦਾ. ठीक है, ठीक है, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. चलिए ठीक है सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ मैं ਕੇਸ ਉਹਦਾ ट्राई. ਆਸਿਆ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਦਾ ਆਸਿਆ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ. सर बिल्कुल सर, सर ਹਾਂ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ जिक्र करना. सर देखो सर, इतों तक कि सर इन्ने को पागल सर हो जाते हैं, मैंने तो समझ नहीं आती सर. हुण देखो उस बीबी का अपना जिहड़ा एक उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जिहड़ी एक फाइल लगाई वो जो उन्होंने कमेंट्स सानू कह रहे हैं कि एक जगह तो असं खेत पर काम कर रहे हैं, उत्थे लेडीज़ ने सिर्फ ईवन कुछ लेडीज़ ने जिन्हां दे नाल उन्होंने टॉकिंग हुई है सारी है, तो सर 300 पीपल्स जिहड़े ने उहदी गवाही दे रहे हैं सर उत्थे. सर इन्हां चीज़ों पर आ के सर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि इत्थे किसी नूं किसी चीज़ का पता भी नहीं ना, तो वह भी गवाह फॉरन बन जाता है और फॉरन है गया कह रहे हैं कि साढ़े सामने हुई है गल है तो गलत कर ही रहा है. तो सर उत्थे मैं सर बिलीव करो बाय गॉड सर, बाय गॉड मैं खुद समझना कि असं माइनॉरिटी हाँ, असं किसी ना नहीं कर सकते सर, असं खुद डरने इस चीज़ का कि यार इन्हों तो कानूनी हक मिलया होया वे. सर तुहानू शायद पता होगा साढ़े तो वजीर कानून पंजाब दे ने सर, सर उन्होंने सिर्फ उन्होंने कह सकते हो कि उन्होंने एक कह सकते हैं कि उन्होंने कहा सी हमदर्दी अपने हमदर्दी दिल का कही सी. इजहार, एक हाँ दिल उन्होंने का सिर्फ इजहार वो उन्होंने तुझी किया. गल उदी गल करो ना, सलमान तसीर दी गल कर रहे हो शायद. बिल्कुल सलमान तासीर हाँ की गल सलमान करा तसीर कि पता है आपको. उन्होंने ही कितना है गार्ड नहीं, उन्होंने मार दिता सर इन्हें को माइंडली. इन्हों असल च सर एक कुरान की तालीम नहीं सर, सर तालीम इंसानी तालीम है जिन्होंने उन्होंने दिमाग जड़ा ना माइंड इस तरह का कर दिता कि वो पागल हुए हुए हैं सर. सर हाँ मैं इसलिए किसी ने कोई गल नहीं कर रहा सर, मैं किसी ने कोई गल करा सो वो भी सर मेरे उत्ते ही हावी हो जाएगा हाँ सर, हाँ इस चीज़ का डर सर और कुछ नहीं है, जैसे मैं किसी ने कोई गल ही नहीं कर रहा. चलो चलो कोई गल नहीं, थोड़ा हिम्मत करो, थोड़ा अपने डॉक्यूमेंट्स अपने एक डॉक्यूमेंट बनाओ, एक सीक्रेट फाइल टाइप बनाओ, अपने सारी इन्फॉर्मेशन नोट करी चलो, हर हर दिन जो कुछ हो रहा है जिस तरह हो रहा है, ते कंट्री छड़ के तुसी जाना, तुहाडे कोल पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अगर जे तुसी दुबई वगैरह या किसी और मिडिल ईस्ट कंट्री भी जाके उत्थे भी तुसी यूनाइटेड नेशंस की पनाह लेंदे हो तो उत्थों भी तुहाडा काम बन सकता है. ठीक है सर, चलिए मैं ट्राई आई एम जस्ट करता गिविंग यू वन एग्जांपल कि सपोज इफ यू गो टू प्लेस लाइक दुबई, उत्थे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस देख लो, उन्हों का वैबसाइट पर जाके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी इन्फॉर्मेशन देख लो, सारा अपनी तैयारी रखो, देख लो चैकलिस्ट पर कि डॉक्यूमेंट चाहिए, अपनी फाइल अपना तैयार रखो, जिस दिन भी प्लानिंग बनती है मे बी आफ्टर 1 month ऑफ वट वट एवर दैट इज, सो यू कैन गो एंड देन यू कैन फाइल फॉर इट. ठीक है सर, ठीक, हाँ थैंक यू सो मच थैंक यू इन्फॉर्मेशन, बहुत थैंक यू. शुक्रिया. बाय बाय ओके ओके बाय. बाय.